2014-2019 का वो साल था जब लोकसभा चुनाव हुआ था, बीजेपी ने धमाकेदार जीत हासिल की थी और लोकसभा चुनाव जीतने के लिए देश के दो राज्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण या महत्ता रखते, बिहार और यूपी। और 2014 और 2019 में बीजेपी की जो धमाकेदार सीट हासिल हुई थी, कुछ बीजेपी के नेताओं के ऐसे चेहरे थे जिन्होंने दिन रात मेहनत करने का काम किया था। हमारे साथ बीजेपी के विधायक अरुण सिन्हा जी हैं। अरुण सिन्हा जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 2014-2019 में इन्होंने बीजेपी के लिए जमकर काम किया था और बीजेपी ने चुनाव जीतने के साथ ये वादा और दावा भी किया था कि जनता ने जो माइंडेड देने का काम किया, जनता ने जो बहुमत देने का काम नरेंद्र मोदी को किया है, वो तमाम दावे और वादे पूरे होंगे। 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है और ऐसे में फिर से एक बार लगातार सरगर्मी जो है वो तेज हो गई है और बिहार के जो बीजेपी के नेता हैं वो नरेंद्र मोदी को फिर से जिताने के लिए लगातार जमीन पर मेहनत कर रहे हैं। लेकिन सवाल उठना लाजमी है क्योंकि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा, ऐसे कई साल अभी बाकी भी हैं चुनाव में, लेकिन जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से है और जो 2014 और 2019 में जनता से बीजेपी ने जो वादा किया था वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ, उसका हिसाब भी जनता 2024 में जरूर मांगेगी जब बिहार बीजेपी के नेता जनता के पास वोट मांगने जाएंगे, तमाम चीज़ों को समझेंगे। अरुण सिन्हा जी, 2014-2019 में बीजेपी की धमाकेदार जीत हासिल हुई, 2019 में आपको याद भी होगा 39 सीट आप लोग को आया, आप खूब मेहनत की हैं, बीजेपी के पुराने नेता भी हैं, 2024 में फिर चुनाव है, नरेंद्र मोदी को जिताने के लिए किस प्रकार से फ्रंट से रहेंगे? तन समर्पित, मन समर्पित, ऐ माँ जीवन समर्पित। माँ यहाँ संबोधित किया गया है भारत माता को, तो भारत माता के लिए राजनीतिक पार्टी में सबसे अच्छी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैं इस संकल्प के साथ, जो मैंने पहले कहा, उस संकल्प के साथ हम पार्टी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और हमें अनुमान ही नहीं है बल्कि विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार प्रचंड बहुमत से और लोकसभा के चुनाव में सरकार बनाएगी। 14-19 में जो आप मेहनत किए थे, हम आपके साथ भी थे, आप कैंपेनिंग करते थे बीजेपी को वोट देने के लिए, तमाम मोहल्ला गली में घूमते थे और आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, खुद आप 3 से 4 बार जीत भी रहे हैं, विधायक भी हैं। एक बात बताइए, 14 में जब आप चुनाव जीते थे, 5 बार जीते हैं, 14 में जब आप मेहनत किए, 19 में भी मेहनत किए, तो बीजेपी बोला था कि काला धन आएगा, काला धन तो आया नहीं, अब घुमाइएगा नहीं, एकदम सीधे बोलिएगा विधायक जी। नजर से ना दिखाई दे, नजर का फेर है प्यारे, वहाँ कुछ देर है प्यारे, नहीं अंधेर है प्यारे। आपने घुमावदार प्रश्न किया, आपने कहा कि काला धन, ये आपकी नजर ना बोले थे कि काला धन आएगा, अब पूरी बात सुनिए ना, आपने कहा काला धन तो आपको नजर नहीं आ रहा है। सारे ऐसे जो बड़े मजबूत ऐसे राजनीति में वैसी हस्ती वाले हैं, अन्य क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्र में वैसे हस्ती वाले हैं जो इसमें पकड़े जा रहे हैं, तो पकड़े जा रहे हैं जिनका धन, वही मतलब था। सुनो यार, सुनिएगा तब तो बता पाएंगे। बोलिए बोलिए बोलिए। अगर आप प्रश्न बीच में करते रहिएगा, बोलिए बोलिए ना, सुनेंगे। मैं आपका प्रश्न जो है वो है कि काला धन कहाँ है। काला धन उन वर्चस्व नेतृत्व के हाथ में है जो आज पकड़े जा रहे हैं, आज देश आ विदेश दोनों में उनकी संपत्ति को जब्त की जा रही है। यूपी में बुलडोजर चल रहा है, बिहार में ऐसे लोग सलाखों के पीछे लाने की पूरी व्यवस्था कर जा रही है। अब बात यह है कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, कोई भी चीज हम ऐसा नहीं कर सकते हैं जिसमें हिटलर शाही की बू आ गई। लोकतंत्र का जो नियम है, कायदे है, कानून है, विधान है, कोर्ट है, कचहरी है, लोकसभा है, विधानसभा है, विधान परिषद है,
तो ये सब में इस बात को हम उठा रहे हैं, धिकार रहे हैं वैसे लोगों को, और प्रशासन उनको पकड़ने का नियम के अनुसार पकड़ने का काम कर रहे हैं। वहीं से नीरव मोदी या विजय माल्या भाग गए आप लोग के शासन में, उनको पकड़ने का अब कैसे पकड़िएगा? क्यों नहीं भाग के आराम से ऐश कर रहे हैं विदेश में? कितने लोग पकड़े गए? कौन पकड़ाया बताइए? सारे के साथ अखबार देख लीजिए। आपके शासन में कैसे नीरव मोदी भाग गए? नीरव मोदी को भी बुलाने का काम चल रहा है। अच्छा, बुलाइएगा, वो आएंगे। पैसा लेके भाग गए, अब आएंगे? बिल्कुल आएंगे। अब आप बुला दीजिए, माइक से बुला दीजिए कि नीरव मोदी जी और विजय माल्या जी आ जाइए। माइक से बुलाने का ही तरीका है बात करने का, आपका बात करने का, कि जो संविधान है, नियम है, कायदा है, कानून है, उसके तहत घेरे में नीरव मोदी को सरकार बुलाने की प्रक्रिया में है। और नीरव मोदी को आपकी जानकारी के बता दें कि सरकार उस सरकार पर दबाव दे रही है जिस देश में वो अभी अपना बसेरा बनाए हुए है, और जल्द ही ऐसे लोग पकड़े जाएंगे। कई छोटे राजन, कई लोग आए यहाँ पर आके, और यहाँ के जो लोग थे वो घेरे में आ रहे हैं। आप रोज आप ही का मीडिया दिखा रहा है कि कौन कौन लोग घेरे में आ रहे हैं, तो सारे बड़े नेता तो आजकल घेरे में आ रहे हैं। और नहीं कार्रवाई अब करने का मतलब ये है कि हम हिटलर नहीं ना कि सबको लाइन में खड़ा करके गोली मार दें, ये नहीं ना कि समय नियम विधान के अंतर्गत है ना, उसको घेरे में लेंगे। लेकिन आज भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी तेज, पहले की अपेक्षा, पहले छुपाने की बात थी, आज उनको उजागर करने की बात है, ये मैं कह रहा हूँ। मेरा सवाल नहीं है 2024 आपने, नहीं 2024 में जब आप जाइएगा ना वोट मांगने, सुनिए ना, फिर आपको जो बोलना होगा बोलिएगा। आप तो ऐसा लग रहा है कि हमको मैं जो कहना चाहता हूँ, अभिभाषण राष्ट्रपति का आया, उसमें उस स्तर पर अभिभाषण सरकार के दिए हुए बिंदुओं को वहाँ का गवर्नर या राष्ट्रपति उद्धृत करता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में सबसे प्रमुखता से दिया गया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये न केवल बातें बना रही हैं, न केवल संकल्प लिया है, बल्कि उस पर तेजी से कार्रवाई की जा रही है, और उन सारे लोगों को घेरे में लिया जा रहा है जो इसके अंतर्गत आते हैं। एक सवाल है, 2024 में जब आप वोट मांगने जाइएगा जनता के बीच में, दो बार तो आप लोग 14-19 जीता हैं, और इसका इतिहास भी रहा है कि हाँ, बिहार बीजेपी के नेता ने मेहनत करने का काम किया, तभी ना 40 में 39 सीट आप लोग जीते। बोले थे कि अकाउंट में 15 लाख रुपया आएगा, हमारे परिवार में 2 गो भाई हैं, माए बाप है, 15-30-45 मतलब 75 लाख रुपया कहाँ आया हम लोग के? ये तो आप विरोधी टाइप का बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, हम नहीं, नहीं आप बात हम बोल रहे हैं। वो सारे अच्छा काम करते तो बीजेपी के लिए हम नहीं, बोलते हैं एकदम खुल के बोलते हैं। वो बात आप ये बात तोड़ मरोड़ के बोल रहे हैं। 15 लाख रुपया का मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि आपके खाते में चला आएगा 15 लाख रुपया? 15 लाख रुपये का मतलब है कि देश का ग्रोथ इतना बढ़ जाएगा कि वो जो अनुमानतः माइनस में रन कर रहा था, एक एक आदमी पर इतना ऋण था, आज आपको मालूम है कि 10वें अर्थव्यवस्था के 10वें स्थान पर आज भारत 5वें स्थान पर पहुंच गया है। इससे केवल 4 ही 5 देश आगे हैं, और 5वें 4 देश के बाद भारत का अर्थव्यवस्था में नाम है। जहां दुनिया में महंगाई के लिए अगल बगल पड़ोस में हाहाकार मचा हुआ है, रोटी और राशन के लिए तूफान, लोग भूखे मर रहे हैं, वहां ये देश अपने संसाधन से दूसरे को हेल्प करने की योजना बना रही है। ये सिलेंडर 1300 रुपये हो गया। अरे 1300 रुपया, वहाँ रोटी 1300 रुपया में मिल रहा है यार, पाकिस्तान में, लंका में घर नहीं चल पा रहा। अरे भैया, बात आप समझ नहीं रहे हैं। कह रहे हैं कि अगल बगल के जगहों पर महंगाई में रोटी मिलना मुश्किल हो गया है, आप 1300 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको ये, प्याज का दाम बढ़ता था तो आप लोग रोड पे उतर जाते थे, सिलेंडर का दाम बढ़ता था तो रोड पर उतर जाते थे। सवाल सबसे पूछा जाएगा, जनता के सेवक आप हैं, जनता के प्रतिनिधि आप हैं। अब पहले बोल लीजिए, पहले पूरा बोल लीजिए, तब जवाब सुनिए, तब बोलिएगा मत। हाँ ठीक है, बोलिए। देखिए, मैं जो मुझे ये कहना था
कि आज की अर्थव्यवस्था हमारे आगे बढ़ी है, कीमतें तो बढ़ती ही रहती हैं, जो हम कह रहे हैं उसको सुनिए, कभी भी कीमत जो आज 100 रुपया होगा वो आज से 5 साल के बाद 125 रुपया हो जाएगा। ये सामान्य प्रक्रिया है अर्थव्यवस्था की। ये पहले जान लीजिए कौन चीज हमारे बाबा के जमाने में 1 पैसा का पान मिलता था, 1 पैसा का लाई मिलता था, हम लोग बच्चे में खरीदते थे। आज 1 नया पैसा देखने को नहीं मिल रहा है, 1 पैसा देखने को मिल रहा है। तो आप आज का 100 रुपया तो उस हिसाब से दरमाम बढ़ता है, उस हिसाब से रेट बढ़ता है, उस हिसाब से पैसा आता है। तो ये अर्थव्यवस्था की बात आप एक लाइन में बोले कि महंगाई बढ़ रही है। महंगाई तो बढ़ना एक तरह से आप समझ लीजिए कि एक प्रकार से महंगाई का होना अर्थव्यवस्था की में कभी कभी अच्छे स्वरूप का भी रंग लेता है। महंगाई बढ़ रहा है तो अर्थव्यवस्था का अच्छा स्वरूप है आपके कहने। ये अब आपको पहले जाके अर्थव्यवस्था पढ़िए, पहले जाके आप तब तो अर्थशास्त्र हमको पता है, जीवन यापन के लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था ही अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था से कुछ अर्थव्यवस्था आप समझते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स परिभाषा भी बता देंगे आपको। इतना जान लीजिए कि भारत की स्थिति दुनिया में 5वें स्थान पर आ गई है, इतना ही बताना चाहते हैं। विपक्ष वाला बोलता है कि खाली महंगाई बढ़ा रहा, कुछ काम नहीं हुआ, 5वें रिपोर्ट बता रहा है। ये तो नेशनल इंटरनेशनल रिपोर्ट ना बता रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था कहाँ चली गई। आज भारत जो है सामान्य से विकासशील से विकसित देश हो रहा है, ये आप नहीं कह रहे हैं। आज भारत का स्थिति ये है कि दुनिया में एक सम्मानपूर्ण देशों में इसकी बात, इसकी अर्थव्यवस्था को देखी जा रही है। आप कह रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, तो विषय ये है कि अब आप का नजरिया अपना है, लेकिन महंगाई से अर्थव्यवस्था की कभी कभी भलाई भी होती है, ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से महंगाई, जब सामान बिकेगा डिमांड होगा तो महंगाई बढ़ेगी, और डिमांड होगा तो अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, ये सामान्य बात। सब बात सही है। आप इस बात को स्वीकारते नहीं है कि 2014 से लेके ये 2023 चल रहा है, अभी तक अगर आप आम आदमी से जाके पूछेगा, आप खुद जाके पूछ लीजिए, हमको पूछने की जरूरत नहीं है, अगर आप पूछेगा तो खाने का सामान हो, आटा हो, चावल हो, गैस हो, सिलेंडर हो, तेल हो, लोग त्रस्त हैं पूरी तरह से। ये बात आपको स्वीकारना पड़ेगा, आप जाके खुद सर्वे कर सकते। महंगाई उस तरह से नहीं बढ़ी है। अब मेरी बात सुन लो यार, अब आप पहले बोल लीजिए क्या क्या प्रश्न है, और जो बात है मैंने एथी लेने का तरीका भी तो ठीक होना चाहिए। नहीं ठीक, हम बता रहे जनता तरफ नहीं, जनता त्रस्त आपके नजर में है। कहां कोई निकल रहा है विपक्ष आंदोलन करने, कौन सा बड़ा आंदोलन हुआ है? तो आप सोच रहे कि कहीं दिखा दीजिए, इधर महीना भर में जनता कहीं रोड पर निकली है महंगाई के खिलाफ, आप 6 महीना के भीतर दिखा दीजिए कहां जनता। आप अपने तरफ की अपनी बात कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि महंगाई नेशनल नहीं इंटरनेशनल समस्या बनी हुई है। इसका ये मतलब नहीं कि मैं इससे आपकी बात में से बिल्कुल असहमत हूं, नेशनल नहीं इंटरनेशनल भी इसी बोल रही है। अगल बगल के पड़ोसी के देश आज खाने बिना मर रहे हैं, और हम जो है उनको सहयोग के लिए आगे बढ़ाए हुए हैं। अभी हमने जो भूकंप आया, जो भूस्खलन हुआ, जो ज्वालामुखी फटा, उसमें जो भारत का योगदान है वो उसी उससे जरा आप उसकी तुलना करिए कि अगर हमारी स्थिति इतनी खराब रहती तो अब दूसरे को सहयोग करने कैसे जाते। दूसरी बात यह है कि महंगाई है, इससे आप मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, और महंगाई पर सरकार की भी नज़र है, और अन्य विश्व में आज स्कार्सिटी मची हुई है, अब विश्व के तुलना में भारत की स्थिति बहुत बढ़िया है और हम 5वें श्रेणी में है, ये बात है। इसके अलावा मुझे कोई बात नहीं। कितने सीटों से धमाकेदार जीत होगी? आप लोग बड़े लोग हैं, बड़े नेता हैं,
जमीन पे फिर काम करिएगा, कितना सीट आ रहा है इस बार लोकसभा के चुनाव में 24 में? कहकर आपका आकलन बिहार की राजनीति में लंबा अनुभव रहा है आपका, पिछली बार 19 में भी जो आपने आकलन किया था वो सही निकला था, इस बार उससे बेहतर स्थिति जरूर रहेगी। कुल करीब मेरे अपने समझ से 350 के अगर आगे पीछे ये संख्या रहनी चाहिए और इसी को टारगेट हम लोग के समझ के सीधे तौर पे अरुण सिन्हा जी थे, तमाम जो 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा उन तमाम मुद्दों पे बात कर रहे थे और इन्होंने आकलन कर दिया कि 350 से अधिक सीटें आएगी और जनता के लिए जो नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं वो बदस्तूर जारी रहेगा और 2024 को लेके तैयारियां जो है वो काफ़ी जोरों शोरों से चल रही है। रोहित नटराज, पटना।